आइए, आप लोग देख रहे हैं प्रो न्यूज़। प्रो न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज कमलेश तिवारी की हत्या को रोका जा सकता था। कमलेश तिवारी की जान को खतरा था, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार लापरवाही बरती गई। तिवारी की हत्या में आतंकी संगठन ISI का हाथ होने की बात सामने आई है। लखनऊ ABP योगी के तमाम दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरती नहीं दिख रही है। आए दिन प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हत्या, लूट और रेप की वारदातें सरकार के दावों पर सवाल उठा रही हैं। कमलेश तिवारी की हत्या किसने और क्यों की, इसकी जांच पुलिस करेगी, लेकिन क्या कमलेश की जान बचाई जा सकती थी? क्या लापरवाही के चलते बदमाश तिवारी के कार्यालय में घुसने में कामयाब हुए और उनकी हत्या करने के बाद फरार हो गए? कमलेश तिवारी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। यह भी बता दें कि एक मुस्लिम संगठन ने कमलेश का सिर कलम करने का फतवा भी जारी किया था। बिजनौर के उलामा अनवारुल हक और मुफ्ती नईम कासमी पर कमलेश तिवारी का सिर कलम करने का फतवा जारी करने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, पुलिस की छानबीन में कमलेश तिवारी की हत्या आतंकी संगठन ISI का हाथ होने की बात भी सामने आई है। कमलेश ने कुछ दिनों पहले खुद को सुरक्षा ना मिलने पर ट्वीट किया था, जिसमें उसने सुरक्षा ना दिया जाने पर सवाल उठाए थे। उस ट्वीट में उसने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व CM योगी को टैग किया था। अब इन बातों से यह साफ है कि कमलेश तिवारी की जान को खतरा था, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगातार लापरवाही बरती गई। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि कमलेश तिवारी के नौकर सत्येंद्र ने हत्याकांड के बाद मीडिया के सामने कहा कि जिस समय हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त सिपाही सिक्योरिटी गार्ड था, लेटा हुआ था। सत्येंद्र सिंह ने यह भी बताया कि तिवारी जी ने कई बार फोर्स बढ़ाने को कहा, लेकिन बावजूद इसके उनकी सुरक्षा में एक बुजुर्ग को तैनात कर दिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की उनके कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक खुर्शीदाबाग कॉलोनी स्थित कमलेश तिवारी के कार्यालय में हमलावर मिठाई के डिब्बे में पिस्टल चाकू छिपा कर लाए थे। कमलेश तिवारी को गोली मारने के बाद उनके गले पर चाकू से भी कई वार किए गए। कमलेश तिवारी को तत्काल ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कमलेश तिवारी की हत्या बाद लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानी नेधा ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह मामला आपसी रंजिश का लगता है। SSP ने कहा कि मामले की छानबीन के लिए 10 टीमें लगाई गई हैं। मौके पर जो हथियार मिले हैं उनकी जाँच की जा रही है, साथ में आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद भी ली जा रही है। घटना के बारे में राज्य के DGP OP सिंह ने कहा कि हमलावरों ने करीब 36 मिनट रुकने के बाद कमलेश तिवारी की गोली मारी। उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति की गोली मारी है। CCTV फुटेज में अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही पुलिस घटना का पर्दाफाश करेगी। यह भी बता दें कि कमलेश तिवारी कुछ साल पहले पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी पर के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। फिलहाल वे जमानत पर थे।